हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग का खासा महत्व बताया गया है। लौंग जहां एक तरफ हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, वहीं दूसरी तरफ पूजा विधि में लौंग का उपयोग करना सदियों से चला आ रहा है। लौंग ज्योतिष शास्त्र में विशेष स्थान रखती है, क्योंकि इसके माध्यम से किए गए कुछ उपाय या टोटके ऐसे हैं जो हमारी समस्या को दूर करने में सक्षम है। लौंग का प्रयोग पूजा पाठ में होने के साथ तंत्र मंत्र के क्रियाओं तक में किया जाता है। अधिकतर हम नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा के समय इसे प्रयोग में लाते हैं। आज हम लौंग के सेवन से होने वाले फायदों, कुछ चमत्कारी टोटकों और यूजेस ऑफ क्लोव के बारे में बात करेंगे। लौंग के टोटके। आइए जानते हैं लौंग के चमत्कारी टोटके, जिनसे आपकी कई सारी परेशानियों का निकलेगा हल। एक, अपने घर से बुरी और नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हैं तो शनिवार या रविवार की संध्या को 5 लौंग, 3 कपूर और 3 इलायची लें। इन तीनों को जला दें और जब यह अच्छी तरह से जलने लगे तो इसे अपने पूरे घर में घुमाएं। लौंग के इस मिश्रण के पूरी तरह से जलने के बाद इसकी राख को अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल दें। यदि राख को सूखा नहीं डालना चाहते तो इसे पानी में घोलकर मुख्य द्वार पर इसकी छींटे मारें। यह लौंग का टोटका आपके घर से सभी बुरी शक्तियों का नाश कर देगा। 2, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जिन जातकों की कुंडली में राहु केतु अशुभ फल दे रहे हैं और हर कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो उन्हें शनिवार के दिन लौंग का दान अवश्य ही करना चाहिए। दान के अलावा आप लौंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। इस क्रिया को लगातार 40 शनिवार तक दोहराएं। इससे जातक की कुंडली से राहु केतु के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। 3, नौकरी हासिल करने में भी लौंग का टोटका तंत्र शास्त्र के अनुसार काफी कारगर माना जाता है। इसके लिए घर से निकलते समय अपने मुंह में 2 लौंग रख लें। उसके बाद जिस जगह इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहां द्वार पर उस लौंग के अवशेष फेंक ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रवेश करें। इस तरह से आपको वह नौकरी अवश्य ही मिल जाएगी। 4, किसी का घर में बीमार रहना, हर कार्य में बाधा आना, गृह कलेश रहना, ये सभी समस्याएं जीवन को बड़ा मुश्किल बना देती हैं। इनसे निपटने के लिए हर शनिवार को तेल का दीपक जलाकर उसमें 3 से 4 लौंग डाल दे। उस दीपक को घर की सबसे अंधेरी वाली जगह पर रखें। इस तरह आपके घर से सभी कलेश, संकट और विपत्तियां टल जाएंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। 5, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आपको उनसे झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल लौंग के प्रयोग से आप उनसे बड़ी ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही 5 लौंग कपूर के साथ प्रज्वलित करें। जब वह पूरी तरह से जल जाए तो उसकी राख को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाएं। यह लौंग का टोटका अपनाने से आपको अपने शत्रुओं से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। लौंग से धन प्राप्ति के उपाय, लौंग के उपे। 1, धन प्राप्ति के लिए 1 लौंग का उपे यह है कि हर रोज या हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें गुलाब के पुष्प के साथ 2 लौंग भी अर्पित करें। साथ ही 5 लौंग की कलियों को 5 कौड़ियों के साथ 1 कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी और कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। 2, अपनी आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने और अपने कार्य में सफल होने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी पूजा करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद दीपक में 2 लौंग डालें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। 21, मंगलवार लौंग के टोटके को अपनाएं, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। 3, यदि आपका पैसा लंबे समय से कहीं पर अटका हुआ है और वह वापस नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कपूर और 21 लौंग से माता लक्ष्मी का हवन करें। हवन करने के पश्चात माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपका दिया हुआ उधार आपको वापस मिल जाए।